हेलो। गुड आफ्टरनून। फोर नाइन फाइव नाइन जीरो सिक्स। यस जिया, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट, देर विल बी रिवीजन। It is class 7 SST revision. Yes, anyone can join, anyone can play. Yes, Arushi Priya, Kasturi, Aditya Barma, Jia, Shivam Jha, Kumar Raghubir, good afternoon. जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। स्वाति हर्ष, सलोनी हैज ज्वाइंट, अभी भी वही हालत है लगता है नेटवर्क का। 495906। Why Swati Harsh, you are not able to attend quiz? No problem. If you are not able, then don't attend. No problem. जिसके पास time हो वो attend करेंगे, जिसके पास नहीं है बाद में देख लेंगे।
Mahi has joined. Should I start? Okay. शुरू करते हैं. गुड आफ्टरनून. शुरू करें. स्टार्ट. थ्री Two, one. The state government can make laws only on the concurrent list. True or false? The state government can make laws only on the concurrent list. The state government can make laws only on the concurrent list. True or false? The state government can make laws only on concurrent list. True or false? True के लिए blue color, false के लिए red color. State government केवल concurrent list पे कानून बना सकती है. State government can make laws only on the concurrent list. True or false? जल्दी जल्दी फास्ट के लिए. सिक्स स्टूडेंट्स हैव टोल्ड ट्रू. टू स्टूडेंट्स हैव टोल्ड फॉल्स. यस, ये फॉल्स है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पे कानून बना सकती है. वेरी गुड. मेरे पास मैसेज में जवाब दिए हैं श्रुति शेखर, शबु परवीन, माही, कुमार रघुवीर. कुमार रघुवीर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स. एक आंसर भेजो. सेंड ओनली वन आंसर. पोजीशन: शिवम झा फर्स्ट, सृष्टि सेकंड, सम्राट सिंह थर्ड, माही फोर्थ, सलोनी फिफ्थ. 723 पॉइंट के साथ शिवम फर्स्ट, सृष्टि सेकंड, बाकी तीनों कोई खाता नहीं खोले, कोई नंबर नहीं. सेकंड क्वेश्चन: विधानसभा इज ए परमानेंट हाउस. विधानसभा इज अ परमानेंट हाउस. विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं. विधानसभा इज अ परमानेंट हाउस. विधानसभा परमानेंट हाउस होता है. अगर ट्रू है, फॉल्स है तो रेड कलर. विधानसभा इज अ परमानेंट हाउस. विधानसभा इज अ परमानेंट हाउस. विधानसभा इज अ परमानेंट हाउस. ट्रू और फॉल्स? ट्रू ब्लू कलर, फॉल्स रेड कलर. विधानसभा इज अ परमानेंट हाउस. जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए. और ये सेवन स्टूडेंट ने कहा फॉल्स, दो ने कहा ट्रू. विधानसभा परमानेंट हाउस नहीं होता, ये डिजॉल्व हो जाता है. इट इज आफ्टर फाइव इयर्स इट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व. हमारे पास जवाब आया श्रुति गांगुली फॉल्स, शेखर कुमार कुमारी फॉल्स. वेरी गुड. नाउ सी द पोजीशन: शिवम झा 1000, सलोनी सेकेंड, सम्राट सिंह थर्ड, कुमार रघुवीर फोर्थ, माही फिफ्थ, आदित्य वर्मा इज ट्राइंग टू कम इन फर्स्ट फाइव. सो कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, अभी तक आप फर्स्ट पोजिशन में हैं. थर्ड क्वेश्चन:
The term of each member of Legislative Council is 5 years. The term of each member of Legislative Council is 5 years. Legislative Council के each member का term 5 years होता है. The term of each member of Legislative Council is 5 years. नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है. द टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 5 years. ट्रू और फॉल्स? केवल एक आंसर रिकॉर्ड कर पाए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल. एक जवाब केवल एक स्टूडेंट ने दिया, वो भी गलत जवाब है. लेजिस्लेटिव काउंसिल टर्म इज 6 years. लेजिस्लेटिव काउंसिल टर्म इज 6 years. लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म इज 5 years. सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू. देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम कमिंग एज इट सीम्स, जैसा मुझे लग रहा है. यस, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो है, इट इज कंप्लीटली कमिंग. व्हाट कैन बी डन? शिवम झा फर्स्ट, सलोनी निधि सेकेंड, सम्राट सिंह थर्ड, कुमार रघुवीर फोर्थ, माही फिफ्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द गवर्नर अपॉइंट्स द पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर मेजोरिटी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है. इफ इट इज ट्रू देन ब्लू कलर, इफ इट इज फॉल्स देन रेड कलर. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. द गवर्नर अपॉइंट्स the leader of the majority party as the chief minister. For true, blue color. For false, red color. Four students have told true. Governor appoint the leader of the majority party as the chief minister. सही बात है. True, जिंदाबाद answer. Three is wrong, false. See the position. Shivam की position छीन गई first की. Second आ गए. Saloni Nidhi first. Shivam second. Afifa third. Samrat fifth. 1542 points के साथ Saloni Nidhi is first. कहने में कोई नहीं, cast. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दिल्ली हैज एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली. 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 नेटवर्क स्लो है, it is going slow. Delhi has an elected legislative assembly. Delhi has an elected legislative assembly. 60 second ka time maine diya hai. True ke liye blue, false ke liye red.
Delhi has an elected legislative assembly. Your message is answer is coming late. Your answer is coming late. Either time up ho ja raha hai. 10 students have given right answer ki Delhi mein legislative assembly hai. Tabhi wahan par chief minister hai Arvind Kejriwal. Agar legislative assembly nahi hoga to chief minister nahi ho sakta. There will be no chief minister. If there is legislative assembly, then there will be chief minister. It's true. It's true. आज सुबह से ही प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क का. दिस प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन. टेन स्टूडेंट्स हैव गिवन राइट आंसर. वेरी गुड, वेल डन. सलोनी निधि फर्स्ट, अफीफा सेकेंड, शिवम थर्ड, आदित्य वर्मा फोर्थ, स्वयं फिफ्थ. नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर जो यूट्यूब में मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ भेजिए. सेंड योर क्वेश्चन नंबर ऑल्सो. जिया हैव रिटन ट्रू, माही ट्रू, तेजस्वी ट्रू. मेरे तरफ से फास्ट करने से क्या है बेटा, मेरे सामने स्क्रीन में जैसे जैसे खत्म हो रहा है आई विल कम टू दैट. टाइम अप होता है फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, पोजीशन बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. इट इज नेटवर्क प्रॉब्लम. आई विल सॉल्व इट इन कमिंग टाइम. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सेवन स्टूडेंट ने कहा ट्रू, दो ने कहा फॉल्स. ये बात सही है. ट्रू वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. ट्रू वाले सब जिंदाबाद. देखते हैं पोजीशन किसकी क्या है. सलोनी निधि फर्स्ट, अफीफा सेकेंड, आदित्य वर्मा थर्ड, स्वयं फोर्थ और माही फिफ्थ. शिवम झा सिक्स्थ पोजीशन पे चले गए हैं बट ही विल कम बैक मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जुझारू खिलाड़ी हैं. सेवेंथ नंबर क्वेश्चन. अ प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉज इज कॉल्ड बिल. अ प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉ, कानून बनाने के प्रस्ताव को बिल कहते हैं. अ प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉज इज कॉल्ड बिल. अ प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉज इज कॉल्ड अ बिल. अ प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉज इज कॉल्ड अ बिल. ट्रू के लिए ब्लू कलर, फॉल्स के लिए रेड कलर. अ प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉज A proposal for making laws is called a bill. For true, blue color. For false, red color. True के लिए blue color, false के लिए red color. True वाले जिसको समय नहीं मिलता केवल T लिख दीजिए, false वाले केवल F लिख दीजिए. केवल three students ने सही जवाब दिया, एक ने गलत. इस बार तो पोजीशन में चेंज जरूर हुआ होगा. और जैसा मैंने कहा था शिवम झा विल कम बैक एंड ही हैज कम बैक. सलोनी निधि फर्स्ट, अफीफा सेकंड, आदित्य वर्मा थर्ड, स्वयं फोर्थ, शिवम झा फिफ्थ. एट्थ नंबर क्वेश्चन. द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स. द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स.
The term of Legislative Assembly is 5 years. True or false? The term of Legislative Assembly is 5 years. Swayam Vaibhav ka answer sahi tha. Question to dikh raha hai beta. Question kyun nahi? The term for Legislative Assembly is 5 years. YouTube pe aap question dekhiye. Question YouTube pe dekhenge. The term for Legislative Assembly is 5 years. The term for Legislative Assembly is 5 years. True ke liye blue color, false ke liye red color. फॉल्स वाले केवल एफ लिख दें. 10 स्टूडेंट्स ने कहा राइट, और बिल्कुल आप राइट हैं. 2 स्टूडेंट केवल गलत हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर्स होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 ईयर्स होता है. श्रुति गांगुली, स्वयं वैभव, शेखर है सेंट राइट आंसर. पोजीशन में चेंज जरूर हुआ होगा. सलोनी निधि फर्स्ट, आदित्य वर्मा सेकेंड, शिवम झा थर्ड, अफीफा फोर्थ, स्वयं वैभव फिफ्थ. Now next question, question number 9. Legislature consisting of only one house is known as unicameral legislature. Legislature consisting of only one house, जिस legislature में केवल एक house होते हैं उसे unicameral legislature कहते हैं. True or false? ये 9th क्वेश्चन चल रहा है. लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. जिस लेजिस्लेचर में केवल एक हाउस होते हैं उसे यूनिकैमरल कहते हैं. ट्रू और फॉल्स? नेटवर्क स्लो के कारण बहुत बच्चे को केवल 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड का समय मिल रहा है. हम देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है. काहूत फास्ट चल रहा है और यूट्यूब में स्ट्रीमिंग लेट हो रहा है. 5 स्टूडेंट्स हैव टोल्ड फॉल्स, 3 स्टूडेंट्स हैव टोल्ड ट्रू. सो ट्रू. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. जिस लेजिस्लेचर में केवल एक हाउस होते हैं उसे यूनिकैमरल कहते हैं. इसको पहचानने का तरीका यूनी, यूनी मीन्स यूनिट, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन. सो लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस, जिस हाउस में जिस लेजिस्लेचर में केवल एक हाउस होते हैं उसे यूनिकैमरल कहते हैं. ट्रू है. स्वयं वैभव ट्रू. माही फॉल्स गलत हैं आप. कमलेश कुमार गलत हैं. शेखर कुमार गलत हैं. श्रुति गांगुली गलत हैं. शिवम ट्रू. सबू परवीन ट्रू. यूनिकैमरल, यूनिकैमरल का मतलब हो गया वन. बाइकैमरल, बाइकैमरल का मतलब होता है दो. टू हाउस होगा तो बाइकैमरल, वन हाउस होगा तो यूनिकैमरल. दैट इज द मेन क्वेश्चन, दैट इज द मेन क्वेश्चन. Let us see the position. What is the position? ये देखो बहुत बड़ा चेंज है. सलोनी निधि फर्स्ट, अभी भी फेवी कॉल की तरह चिपके हुए. स्वयं वैभव आ गए सेकेंड फिफ्थ से. आदित्य वर्मा थर्ड, शिवम झा फोर्थ, अफीफा फिफ्थ. अफीफा जमाल इज द हाइएस्ट क्लाइंबर इन दिस क्वेश्चन. ओके, now I am moving to question next. I'll move to question next. Question, my code is 495906. You can join. Jharkhand has bicameral legislature. Jharkhand has bicameral legislature. Jharkhand mein bicameral legislature hai. True or false? Jharkhand has bicameral legislature. Jharkhand has bicameral legislature. True or false? You have to write. Jharkhand has bicameral legislature.
झारखंड में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। टुडे इज वेरी हाई नेटवर्क प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉब्लम कमिंग। झारखंड हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू के लिए ब्लू, फॉल्स के लिए रेड। झारखंड हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, थ्री स्टूडेंट्स ने कहा फॉल्स, टू ने कहा ट्रू, फॉल्स जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड में यूनिकैमरल है, केवल एक हाउस है। झारखंड हैज ओनली वन हाउस, झारखंड हैज ओनली वन हाउस, सो इट इज झारखंड हैज यूनिकैमरल, नॉट बाइकैमरल लेजिस्लेचर। पोजिशन, सलोनी निधि फर्स्ट, स्वयं वैभव सेकेंड, शिवम थर्ड, आदित्य वर्मा फोर्थ, अफीफा फिफ्थ। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस समय फॉल्स वाले कमलेश, श्रुति, स्वयंभव, माही, ऑल हैव सेंट करेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स? Prime Minister is appointed by the President of India. True or false? True वाले केवल T लिख दें, false वाले केवल F लिख दें, जो YouTube में भेजते हैं, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। Eighth student ने कहा true, Prime Minister को President appoint करते हैं। तीन ने कहा false, जिसने कहा false, they are wrong. शेखर कुमार right. शेखर का आंसर बिल्कुल सही आया है। माही कुमारी राइट, जिया कुमारी फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और कौन कहते करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज ट्रू। हाउ इट इज फॉल्स? मूविंग टू 12 नंबर क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूटी। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूटी। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। अगर ट्रू तो ब्लू कलर, फॉल्स देन रेड कलर। जम्मू कश्मीर इज अ यूटी। जम्मू कश्मीर इज अ यूटी। जम्मू कश्मीर इज अ यूटी। UT means Union Territory. Jammu Kashmir is a UT. True or false? My phone is also not working properly. Two students have told false, one has told correct. इतने बार समझाने के बाद भी आज भी बच्चे mistake कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को state से हटा दिया गया है। एक साल हो गया, कल ही 5 अगस्त 2019 को वहाँ से आर्टिकल 370-35A रिमूव कर दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को अभी उसको हटाए हुए राज्य के दर्जा हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया गया। तो वह एक साल होने को आ रहे हैं, फिर भी आपको नहीं मालूम, कितनी बार बता चुके हैं। इट इज़ ट्रू, 12 नंबर ट्रू।
Tejasvi Shivam has given answer. See the position. Saloni, quick change in any position where Raghuveer has entered. Saloni first, Vem Bhavo second, Shivam Jha third, Aditya Verma fourth, Kumar Raghuveer fifth. Moving to 13th number question. 13th number question. 13th question abhi aaya. Black soil is also known as cotton soil. Black soil is also known as cotton soil. 13th number question to abhi hum bol hi rahe hain. Black soil is also known as cotton soil. Black soil is also known as cotton soil. True hai to blue color for black soil is also known as cotton soil. Black soil is also known as cotton soil. Three students have told right, ek ne kaha false. Black soil ko hi cotton soil kehte hain क्योंकि कॉटन की खेती ब्लैक सॉइल में अच्छी होती है. कॉटन इज वेल ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. कॉटन इज वेल ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश. सीधा पोजीशन. सलोनी निधि फर्स्ट, स्वयं सेकंड, शिवम थर्ड, कुमार रघुवीर फोर्थ, आदित्य वर्मा फिफ्थ. 14th number question. Alluvial soil is found in a large part of our country. True or false? हमारे देश के large part में alluvial soil पाया जाता है. Alluvial soil is found in a large part of our country. True or false? Alluvial soil is found in a large part of our country. True or false? True blue color, false red color. मेरा voice आपको timely सुनाई पड़ता है. My voice जब मैं बोल रहा हूँ होता हूँ तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो क्वेश्चन होते हैं कि नहीं. व्हेन आई एम स्पीकिंग रीडिंग आउट द क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन और नॉट. एट स्टूडेंट हैव गिवन ट्रू, वन स्टूडेंट हैज गिवन फॉल्स. आठ ने कहा कि देश के बड़े हिस्से में एलुवियल सॉइल पाया जाता है. बिल्कुल सही बात है, पाया जाता है. वेरी गुड. नेक्स्ट पोजीशन. सलोनी फर्स्ट, स्वयं सेकंड, आदित्य थर्ड और शिवम आ गए फोर्थ, कुमार रघुवीर फिफ्थ. 15th नंबर क्वेश्चन. अ मास ऑफ मूविंग इट शुड बी आइस. जल्दबाजी में टाइप किए थे. डाउन द स्लोप इज कॉल्ड ग्लेशियर. यू कंसीडर इट आइस. बाद में हम इसको एडिट कर देंगे. अ मास ऑफ मूविंग ice down the slope is called glacier. A mass of moving ice. It is not ice. Listen it. It is ice. Jaldwaji mein type kiye the abhi. A mass of moving ice down the slope is called glacier. Mass of moving ice down the slope is called glacier. 10 बच्चों ने जवाब दिया. 10 के 10 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. True true. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. Very good, well done. See the position.
सलोनी निधि फर्स्ट, फेविकॉल की तरह चिपके हुए स्वयं सेकंड, आदित्य वर्मा थर्ड, तेजस्वी फोर्थ, कुमार रघुवीर फिफ्थ। 16 नंबर क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द पोजीशन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द पोजीशन। True or false? Removal of the top layer of the soil is called the position. 15 का आंसर स्वयं वैभव, धोनी, बावरी, तेजस्वी कुमार सही दिए थे। Removal of the top layer of the soil is called the position. उसे position कहते हैं। Removal of the top layer of the soil. Soil का जो top layer remove हो जाता है उसे हम position कहते हैं। Position अगर कहते हैं तो true है, ट्रू के लिए ब्लू कलर, और अगर फॉल्स है देन इट विल बी रेड कलर। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। फाइव स्टूडेंट्स ने कहा ट्रू, चार ने कहा फॉल्स। अरे भाई ये फॉल्स है, ऊपर की मिट्टी जो बह के चली जाती है, उड़ के चली जाती है, उसको इरोजन कहते हैं, पोजीशन नहीं कहते। दैट इज नॉट कॉल्ड पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इरोजन, दैट इज कॉल्ड इरोजन, इट्स नॉट ट्रू। सलोनी फर्स्ट, स्वयं वैभव सेकेंड, आदित्य वर्मा थर्ड, अफीफा जमाल फोर्थ, कस्तूरी हैज इंटर्ड, कस्तूरी हैज इंटर्ड फिफ्थ में 3891 points। 17 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। रिवर क्या है, ट्रू और फॉल्स? डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, इट इज ट्रू और फॉल्स? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, फुल टावर नहीं दिखा रहा अभी जियो का। डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये देखो, 5 स्टूडेंट्स हैव गिवन राइट आंसर, 2 ने कहा रॉन्ग, 2 ने अभी भी गलत जवाब दिया। जहाँ पे, जिस जगह पे रिवर समुद्र में गिरती है, मिलती है, द प्लेस वेयर रिवर फॉल्स इनटू ओशियन, दैट प्लेस इट इज ट्रायंगुलर लैंड मास देयर, दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर मेन स्ट्रीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरी स्मॉल स्ट्रीम्स एंड इन द मिडिल ऑफ देम, मिड ऑफ देम देयर इज लैंड पार्ट। पोजीशन, सलोनी निधि शुरू से ही फर्स्ट पोजीशन, स्वयं वैभव सेकेंड, अपीफा जमाल थर्ड, आदित्य वर्मा फोर्थ, कस्तूरी फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट्स ऑफ सैंड, माउंट्स ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन इन डिजर्ट इज कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। माउंट्स ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन इज इन डिजर्ट इज कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। माउंट्स ऑफ सैंड, डिजर्ट में जो माउंट्स होते हैं सैंड के, बालू के, किसके कारण? ड्यू टू विंड, हवा के एक्शन के कारण, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। अगर वो सैंड ड्यून होता है तो ट्रू, देन ब्लू कलर, फॉल्स देन रेड कलर।
फोर स्टेंस ने माउंट हिल बालू का जो पहाड़ होता है, बालू का जो टीला होता है डिजर्ट में, रेगिस्तान में, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। बिल्कुल सही है। ट्रू वाले जिंदाबाद। जो फॉल्स दिए जवाब, हो जाए निराश। पोजिशन सलोनी निधि फर्स्ट, स्वयं वैभव सेकेंड, अभिपा थर्ड, आदित्य वर्मा फोर्थ, कस्तूरी फिफ्थ। 19th नंबर क्वेश्चन, सियाचिन इज अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। सियाचिन इज अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ट्रू और फॉल्स? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, सियाचिन इज अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ट्रू और फॉल्स? सिक्स स्टूडेंट ने कहा ट्रू, तीन ने कहा फॉल्स। सियाचिन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर नहीं है। फॉल्स वाले जिंदाबाद, सिक्स वाले हो चाहे उदास। छह ने गलत जवाब दिया, सियाचिन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर नहीं है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है? व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर? ये लार्ज पार्ट में आइस शीट उसका बिछा हुआ रहता है, स्प्रेड रहता है। आइस शीट स्प्रेडेड इन वास्ट एरियाज, दैट इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। The largest ice sheets called continental glacier spread over vast areas. Today, continental glaciers cover most of Antarctica and island of Greenland. Massive ice sheets covered much of North America and Europe during the Pleistocene time period. Okay. Position में Saloni Nidhi first, Apipa second, Swayam Vaibhav third, Aditya Varma fourth, Kasturi fifth. लास्ट क्वेश्चन, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर दोनों लार्जेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं दुनिया का। ट्रू है तो ब्लू कलर, फॉल्स है देन रेड कलर। गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल नेटवर्क में जिसके कारण हम आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं। अभी जो मोबाइल में मैसेज कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू टेक योर नेम बिकॉज इट इज़ गेटिंग हैंग्ड। नाइन ने कहा ट्रू और ये 100% करेक्ट आंसर, इट वाज रियली शानदार बाउंसर। सब के सब ने कहा ये ट्रू है, गंगा रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली ये नदियाँ हैं। They form the largest. Students, if you think these questions are helpful for you, then please press the like button there. मेरा इंतजार मत कीजिए, अपने आप वहाँ like button को press कर दीजिए। और if you have not subscribed the channel, then please subscribe it, like it, give your comment in the channel. In coming week, I will solve these all issues related to network. All the best for your coming test, coming exam. You do well. Thank you. Take care. Bye bye. अब थोड़ा सा हम रिपोर्ट दिखा दें आपको। पोजिशन, स्वयं वैभव थर्ड पोजिशन 5998 points,
10 क्वेश्चन का जवाब दिए केवल उन्होंने। सेकेंड पोजिशन अफीफा 10 क्वेश्चन रिप्लाइड 7326 एंड फर्स्ट पोजिशन गोज टू सलोनी निधि 9594 पॉइंट्स 11 क्वेश्चन यू हैव रिप्लाइड आउट ऑफ 20। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन अफीफा, वेल डन सलोनी निधि, वेल डन स्वयं वैभव। सलोनी निधि फर्स्ट, कहने में कोई नहीं कष्ट। स्वयं वैभव अफीफा जमाल इज सेकेंड, स्वयं वैभव इज थर्ड। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया, टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 5 ईयर्स, किसी ने जवाब नहीं दिया। बाकी सबका जवाब कुछ ना कुछ 1% 2% मिला है, बट उस क्वेश्चन का जवाब किसी ने नहीं दिया था। नो वन हैज गिवेन दैट क्वेश्चन रिप्लाई। 10 क्वेश्चंस यू हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट। नाउ फुल रिपोर्ट। इज द फुल रिपोर्ट। टोटल प्लेयर्स वेर 38 प्लेइंग। पोजिशन वाइज देखिए, फर्स्ट सलोनी निधि, अफीफा जमाल, स्वयं वैभव, आप चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आदित्य वर्मा, कस्तूरी, आकाश सिंह, कुमार रघुवीर, माही, जिया, तेजस्वी,